मैं एमएनसी में बात करूं, डिक्सन है, लावा है और बॉर्न इंडिया है हमारे साथ जुड़ी हुई। मतलब काफ़ी एमएनसीज कंपनी हैं जो अच्छे लेवल पे कैंडिडेट्स को हायर कर रही हैं और अच्छी सैलरीज दे। तो हम ये चाहते हैं, मोटिव हमारा ये है कि जो कैंडिडेट है उसको अच्छी जॉब मिले और बहुत जल्दी मिले और कंपनीज को सीरियस कैंडिडेट्स ही मिल पाए। तो इस पे हम काम करते हैं कि हम अभी एक महीने के अंदर 500 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब लगवा चुके हैं और हमारा आगे भी मोटिव यही है कि कैंडिडेट्स को अच्छी जॉब मिले। मोस्ट हमारे पास अभी 100 प्लस कंपनीज जो है रजिस्टर्ड है हमारे पास, 5th से लेकर 10th प्लस 2 ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट इन सब के लिए कंपनीज हायरिंग करती है। अभी जो माईपाय है वो पैन इंडिया काम करता है। एग्जाम्पल, आपको आप चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले घर के पास ही, एक किलोमीटर में मिल जाए, तो उस हिसाब से आप किलोमीटर के हिसाब से फिल्टर करके आप जॉब देख सकते हैं। मैम, हमारे पास जो कंपनीज हैं उसमें ऑलमोस्ट 100 या 1000 इसके ऐसे ही हमारे पास हायरिंग्स आते हैं कि एक कंपनी जो अभी साइन अप कर रही है उसको बल्क में 100 या 1000 कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। कंपनी के साथ टाई अप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर JDs प्रोवाइड हों और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकें। क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे कॉल करें HR को, तो वो सब चीज़ें हम सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट को और हेल्प करते हैं बाय WhatsApp या कॉल या कैसे भी अगर हम वो रीच कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल jobnow247.com पर। एक और बार जबरदस्त वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, वो भी ग्राउंड लेवल से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आई हूँ MyPay के ऑफिस, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है और आप सभी को बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी मैम के इंटरव्यू के थ्रू, प्लस इनका पूरा ऑफिस भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये जो कंपनी है आपको कौन कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट दिलाती है, आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज, कौन कौन सी पोस्ट पर इनके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी लोकेशंस पर, A to Z पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि ऐसी वीडियो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी जहां पर A to Z ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन मिले, साथ ही साथ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी मिले। सो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए और बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैम, सबसे पहले तो आप हमें अपना ऑफिस दिखाइए, फिर उसके बाद आप हमें अपनी कंपनी के बारे में बताएं। ठीक है सर। ये जो है, ये सर हमारे ऑपरेशंस देखते हैं। ओके, तो आप इनसे मिल सकते हैं। हेलो सर, कैन आई कम इन सर? सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल शर्मा है मैम। ओके, MyPay के साथ सर आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैं MyPay के साथ मैम 6 month से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, हाँ जी। तो रिसेंटली जो आपने MyPay का पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें तकरीबन कितने लोगों की टीम काम कर रही है आपके यहाँ? अभी मैम हमारे पास कस्टमर सपोर्ट टीम है, टेक टीम है, ऑपरेशन टीम है, ओवरऑल हमारे पास 150 प्लस टीम है, मतलब अभी काम कर रही है जो लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रही है। बिल्कुल मैम। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियाँ हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं? अभी मैम अगर मैं MNC में बात करूँ, डिक्सन है, लावा है और बॉर्न इंडिया है हमारे साथ जुड़ी हुई। मतलब काफ़ी MNCs कंपनी हैं जो अच्छे लेवल पे कैंडिडेट्स को हायर कर रही हैं और अच्छी सैलरीज दे रही हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। हम और भी पूरा जो ऑफिस है वो देखना चाहेंगे। थैंक यू सर। ये मैम, ये हमारी MyPay की टीम है। okay. जो वर्क कर रही है MyPay के लिए। ओके, आइए इनसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 1 month। ओके, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। ये जो पूरी टीम है ये MyPay के लिए वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल, किसी कैंडिडेट को MyPay का जो पोर्टल है वो यूज़ करना नहीं आ रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे कॉल करें HR को, तो वो सब चीज़ें हम सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट को और हेल्प करते हैं बाय WhatsApp या कॉल या कैसे भी अगर हम वो रीच कर रहे हैं तो उसके हिसाब से। ओके, तो लगभग लोग यहाँ पर इस टीम में काम? अप्रॉक्सीमेटली अभी 30 प्लस यहाँ पे होंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऑफ पे भी हैं, कुछ फील्ड में भी होते हैं। ओके, सो क्या हम यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं मैम। हेलो सर, सो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम नितेश तिवारी है। आप MyPay के साथ कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैम MyPay लास्ट मंथ ही अभी लॉन्च हुआ है तो मैं तब से ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ।
किस पोस्ट पर आप काम करते हैं सर? मैम यहाँ पर मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, जो B2B कंपनीज के साथ टाई अप करता है। जी मैम, मतलब मेन काम क्या रहता है आपका, कि आप HRs वगैरह को जो है बताते हैं MyPie के बारे में? यस मैम, हम ऐसे हैं कि HRs को बताते हैं कि हमारा पोर्टल उनको क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या उस पर उनको सर्विसेज मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल में उनको बताते हैं। साथ ही तरह तरह की कंपनी के साथ टाई अप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर JDs प्रोवाइड हों और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकें। मैम सर, जैसे अभी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं, तो अगर कोई रिक्रूटर आप लोगों से जुड़ता है तो क्या बेनिफिट उसे आप लोग प्रोवाइड करते हैं? मैम यहाँ पर बेनिफिट्स और पोर्टल्स के मुकाबले मैं कहूँगा यहाँ बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपनीज़ को, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको फ्री में अनलिमिटेड JDs प्रोवाइड करने का मौका मिल रहा है। साथ ही मैम यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है कंपनीज़ के लिए वो भी बिल्कुल फ्री है। साथ ही यहाँ पर जो हमारी कंपनी है वो कंपनीज़ को एक वर्चुअल हायरिंग मैनेजर प्रोवाइड कर रही है जो उनकी JDs को स्क्रीनिंग करेगा, साथ ही उनको एक रेविलेंट जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वहाँ पर उनकी JDs पर अप्लाई करवाएगा। जी मैम, साथ ही यहाँ पर और भी जो काफ़ी अच्छे फीचर्स हमारी जो पोर्टल पे मिलते हैं कंपनीज़ को, जिसमें कि मैं कहूँगा एक तो फ्री में शॉर्ट लिस्टिंग कर सकती है कंपनी अभी, और साथ ही साथ मैम यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कहीं और किसी पोर्टल पे शायद नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें कि क्या है कि जो कंपनीज़ हैं अपने नियर बाय कैंडिडेट्स, जो एक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको जियो मैपिंग के थ्रू देख सकती है, और साथ ही वहाँ से उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख के वहाँ से हायर कर सकती है मैम। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर हमारे जो पोर्टल पे कंपनी को एक और सुविधा जो मिलती है वो मिलती है मैम कि जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें कि इंटरव्यू मैनेजमेंट वो कंपनी कर सकती है उसमें। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और आई होप जितने भी रिक्रूटर्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अगर वो अपने लिए कोई स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो MyPie से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, प्लस कुछ नंबर्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उन पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम मेरा नाम प्रिया है। ओके, आप MyPie में कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं ऑलमोस्ट, मुझे 5 मंथ हो चुके हैं MyPie में साथ काम करते हुए। जी, और बेसिकली मेरा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि MyPie एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ MyPie? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि MyPie एक जॉब पोर्टल है जिसमें क्या होता है कि कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं जॉब के लिए, और कंपनीज़ भी करती हैं रजिस्टर रिक्रूटमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल कि बच्चों को हायरिंग करने के लिए। तो इस प्रकार से जो MyPie है वो वर्क करता है कैंडिडेट को कंपनी से मैच मेकिंग करवाने में। तो हम ये चाहते हैं, मोटिव हमारा ये है कि जो कैंडिडेट है उसको अच्छी जॉब मिले और बहुत जल्दी मिले, और कंपनीज़ को सीरियस कैंडिडेट्स ही मिल पाए। तो इस पर हम काम करते हैं कि कैसे हम उनको अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर पाए। ओके, तो बेसिकली मैम ये लॉन्च कब हुआ था, कितने दिन पहले आपने इसे लॉन्च किया था? MyPie जो है अभी 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। जी, नियरली अभी तक कितने लोगों को आप लोग सिलेक्शन दिलवा चुके हैं? ऑलमोस्ट हम अभी 1 महीने के अंदर 500 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब लगवा चुके हैं, और हमारा आगे भी मोटिव यही है कि कैंडिडेट्स को अच्छी जॉब मिल पाए जल्दी। जी, तो जो वैकेंसीज आप सभी के लिए रहती हैं ये नॉर्मली कौन कौन सी कंपनीज़ में रहती हैं, मतलब लगभग आपके पास कितनी कंपनीज़ हैं जिसके लिए आप लोग हायरिंग कर रहे हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 100+ कंपनीज़ जो हैं रजिस्टर्ड हैं MyPie पे। कंपनीज़ जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, फॉर एग्जांपल 5th+ जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी MyPie पे हायरिंग है, 5th से लेकर 10th+2 ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट इन सब के लिए कंपनीज़ हायरिंग करती रहती हैं MyPie। जिन्होंने 5th क्लास पढ़ी है, यानी कि जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, उनके लिए भी आपके पास जॉब? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो 5th क्लास हैं उनके लिए भी हमारे पास जॉब है। तो ऐसा नहीं है कि MyPie पे सिर्फ जो हायर एजुकेशन है या फिर जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए ही है, 5th+ के लिए भी हमारे पास जॉब्स हैं, वो भी अच्छी सैलरी पे। जी, तो अभी इंडिया में कौन कौन सी लोकेशंस पर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशंस पर आप ऑलरेडी लोगों की नौकरी लगवा चुके हैं? अभी जो MyPie है वो पैन इंडिया काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप या दिल्ली से हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, या किसी पर्टिकुलर स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से हैं तो नहीं मिलेगी, पूरे पैन इंडिया में MyPie वर्क कर रहा है और वहीं से हायरिंग होती है कैंडिडेट्स की। जी, तो नियरली अबाउट आपके पास कितने रिक्रूटर्स अभी होंगे? अभी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 100+ कंपनीज़ हैं, तो 100 अभी रिक्रूटर्स हैं जो एक्टिव है जिनके प्रोफाइल, इसके अलावा ऐसे बहुत से हैं जिनके JDs एक्टिव और इनएक्टिव होते रहते हैं। ओके, हम जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, बहुत सारे हैं अभी एन नंबर जॉब पोर्टल्स, तो आपकी प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खासियत है जिसको ज्वाइन करके लोग कंपनियों में अप्लाई करें?
MyPy एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं और आप प्रोफाइल बना रहे हैं यानी साइन अप कर रहे हैं, तो साइन अप करने के बाद एक तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे बिल्ड हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है आपको, रिज्यूमे अपलोड भी नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन डाल के आप बिल्ड कर सकते हैं रिज्यूमे। उसके बाद एक फीचर ये है कि आप घर बैठे ही जॉब्स नियर मी का ऑप्शन यूज़ करके मैप पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको, आप चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले घर के पास ही, 1 किलोमीटर में मिल जाए, तो उस हिसाब से आप किलोमीटर के हिसाब से फ़िल्टर करके आप जॉब देख सकते हैं। एक ये हो गया फीचर। इसके अलावा ये है कि जॉब अप्लाई करने के बाद आप कॉल कर सकते हैं एचआर को। अगर आपको MyPy यूज़ करना नहीं आ रहा है तो उसमें वीडियोस भी दी हुई हैं, वीडियोस देख के आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, प्रोफाइल कैसे बनाएं, कैसे क्या चीज़ें करनी है, सब उसमें दिया गया है। इसके अलावा जो JDs होते हैं, जॉब प्रोफाइल होती है कंपनीज की, वो वीडियोस में बताई गई है। फॉर एग्जांपल से 5th क्लास के बच्चे, उनको पढ़ना नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े इंग्लिश नहीं समझ आता कि क्या लिखा है, तो वीडियोस देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो ये फीचर्स हैं कि आप देख के, आप वीडियोस को देख के इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर फिर भी अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फिर भी समझ में नहीं आती चीज़ें, तो उनके लिए क्या असिस्टेंस आप प्रोवाइड करते हैं? उनके लिए ये है कि एक तो हमारा चैट सिस्टम है, वो चैट कर सकते हैं, या फिर वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम उनको कॉल पर भी बता देते हैं कि आपको अगर नहीं आ रहा है, कैसे क्या इशूज़ आ रहे हैं, तो हम कस्टमर सपोर्ट के अकॉर्डिंगली उनको हेल्प करते हैं उसमें। ओके, तो लगभग मैम अभी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके लिए लोगों को आपने हायर किया हो, तो क्या आपके पास बल्क हायरिंग्स भी आती हैं क्या? बिल्कुल मैम, हमारे पास जो कंपनीज हैं उसमें ऑलमोस्ट 100 या 1000 इसके ऐसे ही हमारे पास हायरिंग्स आते हैं कि एक कंपनी जो अभी साइन अप कर रही है उसको बल्क में 100 या 1000 कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे मैम हम वर्क करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी प्रोफाइल्स रहती है मैम? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10th पास है तो उसके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल रहती हैं? अगर कोई 10th पास है तो डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने ITI कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर कुछ भी नहीं कर, सिंपल 10th कर रखा है, तो टेलीकॉलिंग के जॉब वो कर सकते हैं, मशीन ऑपरेटर की वो जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की कर सकते हैं अगर उनको बेसिक नॉलेज है। तो ऐसी कंपनीज में मशीन ऑपरेटर की या फिर सुपरवाइजिंग की, जो थोड़ी मोटी असिस्टेंट सुपरवाइजर होगी, उनकी जॉब्स रहती है। और जो ग्रेजुएट लेवल के लोग हैं उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए रहती हैं? ग्रेजुएट लेवल की मैम अलग अलग जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फील्ड सेल्स की या मैनेजर की हो गई, बैंकिंग की जॉब्स भी कुछ होती हैं, या फिर आप लगा लीजिए कि टेली परफॉर्मेंस जैसी कंपनीज हो गई, टेक महिंद्रा होंगी, उनके लिए BPO में अगर वो इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लगा लीजिए सेल्स मैनेजर की, जैसे कैसे होटल हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया, रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स होगी, ऐसे मैम डिफरेंट टाइप की बहुत सारी जॉब्स रहती है अवेलेबल MyPy पे। जो 5th क्लास है, 5th क्लास के जो कैंडिडेट है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी भी नहीं है, उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं आपके पास? उनके लिए मैम हेल्पर की हो गई कंपनीज में, मशीन ऑपरेटर की हो गई, पैकिंग की हो जाती है, केमिकल कंपनीज हो गई उनमें हो जाती है मैम, तो ऐसे ही उनकी जो 5th क्लास वालों की है उनकी रहती है, या फील्ड बॉय की लगा लीजिए या फिर आप पैकिंग की लगा लीजिए। अब जैसे मैम अगर कोई कैंडिडेट हमें 1 साल बाद देख रहा है इस वीडियो को, या 2 साल बाद देख रहा है, अगर उस टाइम पर उनको इस वैकेंसी के लिए जो रेगुलर बेसिस पर आपके पोर्टल पर आती है उन्हें अप्लाई करना है, तो क्या वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर वो 1 साल बाद देख रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वैकेंसीज जो है अगर क्लोज हो जाती हैं, तो हम उनको असिस्ट करेंगे किसी और के लिए, क्योंकि कंपनीज जो है MyPy पे डेली आती जाती रहती हैं बहुत सारी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मैं हायरिंग कर रही हूँ 1000 कैंडिडेट्स की, अगर वो उनको मिल जाते हैं तो उनकी वैकेंसी क्लोज हो जाती है, बट लेकिन सेकेंड जो वैकेंसी है वो भी ओपन हो जाती है साथ में। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद अगर देख रहे हो और अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल जॉब मिलेगी, चाहे आप आज देखो चाहे आप 2 महीने बाद देखिए। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ABCD भी समझ में भी नहीं आती, पढ़ना भी नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए कुछ और फैसिलिटीज़ भी हैं जिसको वो यूज़ करके आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए MyPy सबसे अलग है कि MyPy पे जिन लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता वो भी इसलिए जॉब ले सकते हैं। सिंपली क्या करना होता है मैम कि अपने जो प्रोफाइल है उसके अंदर एक वीडियो बनाए इंट्रोडक्शन टाइप की, चाहे आप हिंदी में ही बोल दीजिए कि मेरा नाम फॉर एग्जांपल राहुल है, मैं 10वीं पास हूँ या 5वीं पास हूँ, मैं शिमला में रहने वाला हूँ और मुझे जॉब चाहिए, मैं फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, सिंपल सी 30 या 40 सेकंड की वीडियो या 1 मिनट की आप बना के उस पर अपलोड कर दीजिए, वही देख के कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर लेती है। जी मैम बहुत सारी जानकारी दी, और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं MyPy के साथ, जस्ट लॉन्च हुए ही इनको 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ में इन्होंने 500 से भी ज़्यादा लोगों को जो है नौकरी दी है, और आगे इनका टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
नौकरी जो है पहुंचा सके और साथ ही साथ आपको रोजगार दिला सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको MyPay की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाना चाहूंगी। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फोन से साथ ही साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप से भी ओपन अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि MyPay में डेली बेसिस पर बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स जो हैं अलग अलग कंपनी से पोस्ट होती हैं, जैसे कि फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएट की प्रोफाइल पर है, सेकंड वैकेंसी वेल्डर की प्रोफाइल पर है जो कि बहुत बड़ी कंपनी में आई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनकाइंड में मार्केटिंग प्रोफाइल में भी वैकेंसीज आई हैं, साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिए देन उसके बाद आप अप्लाई करना। देखिए अप्लाई फॉर जॉब के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा। तो मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप लॉग इन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में वो आपको फिल करना होगा, इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, देन अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा और A to Z जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए ये डिटेल इन्फॉर्मेशन भरना इसलिए जरूरी है कि इनकेस अगर आपके पास आपका जो है रिज्यूमे नहीं है, आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता, तो भी ऑटोमेटिकली जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके ये लोग जो है आपका रिज्यूमे भी बना देते हैं और डायरेक्टली अप्लाई भी कर देते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये फिल करते जाना है, उसके बाद जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस वैकेंसी में डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर देना है। सो फ्रेंड यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर अगर आप एक जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो ₹10 आपको जो है वो पे करने होते हैं, लेकिन अगर आप jobnow247.com का कूपन कोड यूज करते हैं जो कि है jobnow247, तो आपके लिए ये जो वैकेंसीज हैं ये 100% फ्री हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी मनचाही नौकरी पे अप्लाई करना चाहते हैं, ₹10 इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आप सीरियस रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है सीरियस कैंडिडेट को ही मौका मिलता है जो कि वाकई में काम करना चाहते हैं, वाकई में जो है अपना करियर बड़ी बड़ी कंपनी में बनाना चाहते हैं, मनचाही पोस्ट पर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ₹10 हैं। लेकिन अगर आप jobnow247.com का कोड यूज करते हैं, कूपन कोड यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इजी स्टेप्स के साथ। अगर आप इनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जो है मैंने इनका नंबर भी दिया है, मेल IDs भी दी हैं, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और जो भी वीडियोज़ इस चैनल पर आती हैं ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होती। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। अगर आप भी रिक्रूटर हैं, आप भी किसी कंपनी के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो आप भी हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और MyPay के थ्रू भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक और जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।